आज के जो सफरनामा में पहुंचे बंगड़ा घाट पुल, ये सुंदर पुल आज सुबह के भ्रमण आप हमारे एपिसोड में देख रहे हैं। ये मोतिहारी से मैंने दिखाया तो ये स्तूप दिखाया, अब आगे बढ़ते हुए आप पहुंचे हैं कि दो डिस्ट्रिक्ट यानी एक पुल है, एक उधर जिला है इधर जिला, बिहार में जिला बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, यूपी में जनपद बोलते हैं, यानी हम बड़े हम बच्चों से कोई बात करते हैं, आप जो इसके बारे में डिटेल बताएंगे आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन। विपिन, इस जगह का नाम बताओ थोड़ा सा। बंगड़ा घाट और गाँव का नाम बिहारी पुल है। कितने जिलों को बांटता है? दो जिलों को बांटता है, आगे से मुजफ्फरपुर और इधर से छपरा जिला और बीच में गोपालगंज। आपका क्या नाम हुआ? चंदन। चंदन चंद, बताओ की क्या कहानी है आपकी, थोड़ा बताओ बिहार के बारे में। तो बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। नहीं तो काम तो हो गया, बहुत लेट से हुआ ये काम, 2013-14 से शायद काम चल रहा था और 2021 तक जाके ये फाइनल हुआ, बहुत लेट से हुआ। चलो, दोनों युवा लड़के हो, भविष्य लंबा चौड़ा है। नई सरकार जो बनी है, एक पुराने सरकार थे, नीतीश जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, अब आप दोनों बच्चों बताओ हमको, तुम लोग मन से खुले मन से कोई दबाव नहीं, क्या ये सरकार नीतीश जी के जो अभी तेजस्वी के साथ बनी है, एक पहले थी बीजेपी के साथ, कौन सा तुमको अच्छा लगता है? हम अभी तो हमारा उम्र अभी 15 साल है, अभी तो हमारा वोटर लिस्ट नहीं बना है। मैंने एज वोटर की बात नहीं की, आप अपने व्यू दीजिए। आप बीजेपी हमको अच्छा लगता है। बीजेपी, आप बताइए। तो हमको भी बीजेपी ही पसंद है। तो क्यों, ये तेजस्वी युवा है, कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो क्या उस पर विश्वास नहीं किया? उस पर भी विश्वास है, लेकिन बीजेपी भी अच्छा ही काम कर रही थी और ये भी अच्छा ही काम करेंगे, हमें उम्मीद है। हम लोगों को लगता है कि मतलब जो नया सरकार बना है ये भी करेंगे, लेकिन पहले वाले भी सही कर रहे थे और लगता है कि ये भी सही करेंगे। जब इतना दावा के साथ बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो मतलब देंगे सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके बिहार में क्या खूबी है? दोनों बच्चों बताओ, दोनों का फ्यूचर करियर है, कल के आप प्रधानमंत्री नीतीश मनोहर, एक मुख्यमंत्री बिहार में होते हैं, अब खेल कहीं होता है, इस पर क्या कहना है? खेल मतलब वो लोग खेलते हैं, वो लोग सब कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में खूबी है कि हम लोग अपने मर्जी से जो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हरियाली है, हम लोग अच्छे से रहते हैं और जब मन करता है पूरे घूम लेते हैं, और हम लोगों को पढ़ाई में मतलब लोग अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम भी कराए जल्द आने वाला है। आपके मन में नेता बनने का शौक नहीं होता है? नेता बनने का शौक नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मतलब कुछ अलग टाइप का, क्योंकि कोई भी सोचता है कि नेता बनने ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन और ज़्यादातर सोचते हैं कि लोग इज्जत कमाए, लेकिन एक अलग टाइप का सोचना चाहिए हर किसी को। क्या आपको नेता बनने का शौक नहीं है? आप तेजस्वी यादव नेता बने? नहीं, नेता बनने का कोई शौक नहीं है, हमें अपना हमें आर्मी बनने का ज़्यादा शौक है। हम अभी एज होगा जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आर्मी का। यानी कि आप देश सेवा हम चाहते हैं? देश सेवा ही चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कमांडो में, ये कमांडो। वाह, देखिए, ये है आपको बच्चों का जोश बिहार का। ये कहावत है कि एक बिहारी सब पे भारी, छोटा से बच्चे 15 साल 16 साल की उम्र में हमने इन लोगों को टटोला इस घाट पर मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के पुल के पास में। दोनों बच्चों का जोश, कहते हैं हमको नेता नहीं बनना है, हमको बनना है मिलिट्री में जाना, सेना, इसी को कहते हैं आपको जो रेजिमेंट है दानापुर की बिहार। अब कोई शब्द नहीं है, बस यही कहेंगे बिहार का नाम वन नंबर पर है। और अच्छा, चलते चलते एक बात और पूछते हैं, चलते चलते ये अभी का जो माहौल है अभी चारों तरफ, जो सुनते होंगे सब क्या क्या जो मुस्लिम हिंदू सब के बारे में, इन लोग को तुम लोग पे क्या प्रभाव है, क्या कहना है? हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कोई भी अपना जात को ही मतलब सपोर्ट करता है, और हम हिंदू है तो हम हिंदू को ही सपोर्ट करेंगे, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे मुस्लिमों के बारे में, क्योंकि वो लोग मुस्लिम है तो अपना ही सपोर्ट करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि मेरी आबादी ज़्यादा बढ़े और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू का ज़्यादा आबादी बढ़े, बस। आपका क्या मत है? हमारा यही कहना है कि जातिवाद नहीं करना चाहिए, इससे भेदभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक हिंदुस्तानी बस यही रहना चाहिए निशानी, बस। अच्छा, चलते चलते लास्ट में बताओ, अगर अगर चुनाव होगा 24 में तो प्रधानमंत्री की सूची बनाया जाए जिसमें नीतीश कुमार जी अब शामिल होने वाले हैं, आप लोग कौन से नेता को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग तो जो पसंद होगा उन्हीं को देंगे। नहीं, एक जैसे मोदी जी हैं, कई लोग किसको चाहते हैं आप? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को ही ज़्यादातर मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि हम
हमारे इंडिया पर कोई दोबारा मतलब नज़र उठा के देख नहीं सकता है, इसलिए हम फौज में जाना चाहते हैं, तो हमारा फौज में ज़्यादा फायदा हो, हम लोग किसी भी देश पर अटैक कर दें और हम लोगों को मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, तो नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर सकते हैं। आप बताओ चाहते हो? हाँ, नरेंद्र मोदी अच्छा काम करता है, जैसे सैनिकों को पूरा छूट देते हैं, अच्छे अच्छे हथियार खरीद के रखे हैं सैनिकों के लिए कि लड़ने में कोई दिक्कत ना हो और हमारे सैनिक सर उठा के किसी के सामने लड़ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दोनों आदमी पर। सब